नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन फार्माटेक में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एक नई एंटी मलेरियल ड्रग जिसका नाम है प्रीमा क्वीन। तो आज हम बात करते हैं प्रीमा क्वीन की, देख लेते हैं प्रीमा क्वीन को। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। प्रीमा क्वीन जो है वो 8-अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है और इसका यूज़ हम मलेरिया और नीमोसिस्टाइड सिस्टिस निमोनिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसका स्पेशली जो ट्रीटमेंट है प्रीमा क्वीन का, वो स्पेशली जो प्लाज्मोडियम है उसकी बायवेक्स स्पीसी जो विल स्पीसी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसको फर्स्ट टाइम 1946 में डिस्कवर किया गया था। ये प्रीमा क्वीन जो होता है वो G6PD डिफिशेंसी वाले पेशेंट को नहीं देते हैं। G6PD मीन्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोनेज जो एंजाइम होता है उसकी जिसमें डेफिशिएंसी होती है जिन पेशेंट में, उन पेशेंट को हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्रीमा क्वीन जाता है वो RBC का ब्रेकडाउन कर देगा अगर जिसमें G6PD जो एंजाइम है उसकी अगर डेफिशिएंसी होगी, तो उस पेशेंट में ये जाकर RBC का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका हीमोलिसिस हो जाएगा। तो हम ऐसे पेशेंट को नहीं रिकमेंड करते हैं और ये प्रेगनेंसी में भी नहीं दी जाती है, ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। यानी कि जो प्रेगनेंट लेडी होती है उनको हम इसको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं दे सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जी दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। प्रीमा क्वीन जो है वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद वर्क करता है, मतलब जो प्रीमा क्वीन होता है उसका मेटाबोलाइट जो होता है वो वर्क करता है। प्रीमा क्वीन का मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबोलाइट बनाता है क्विनोलिन। क्विनोन मेटाबोलाइट जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और ये पैरासाइट में हेमोलिसिस कर देता है, मतलब जो पैरासाइट है उसके हेमोलिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो डेड कर जाता है। और ये जो ड्रग है वो सिर्फ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल की जो स्पीसीज है उनके अंगेंस्ट ही वर्क करता है। ये साइजेंटिसाइडल की तरह वर्क करता है, ये गैमेटोसाइडल होता है, मतलब गैमेट्स जो होते हैं उनको किल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मोडियम की ग्रोथ नहीं हो पाती। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। जी अब बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक की। तो इसमें क्या होता है, जो प्रीमा क्वीन है वो गट में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब इसका जो पहला अब्जॉर्प्शन है वो गट में है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में है विदाउट एक्यूमुलेशन इन आरवीसी के में ना एक्यूमुलेट होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तरीके से। और ये जो है फूड के साथ लिया जाए इसको, या जो ग्रेप फ्रूट होता है उसके जूस के साथ लिया जाए, तो इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है, ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, उसको इनक्रीज किया जा सकता है ग्रेप फ्रूट जूस के साथ। जो प्रीमा क्वीन है उसका 20% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, मतलब वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है बॉडी पे, वो फ्री बॉडी में पड़ा रहता है। और इसकी हाफ लाइफ वो होती है 6 घंटे होती है। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और ये रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अब इसकी बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। बात करते हैं इसकी एडवर्स इफेक्ट की, एल्बर्डियक रिएक्शन LDR जो क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रीमा क्वीन होता है वो हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है। इसका जो मेन कारण है वो इसलिए कर देता है क्योंकि जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसकी जब
कमी होती है, उसकी डेफिशिएंसी होती है पेशेंट में, तो उससे क्या होता है जो आरबीसी है उनका अब्सर्व होने लगता है, जो हीमोग्लोबिन है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है हेमोलिटिक एनीमिया हो जाती है। और इसका जो अगला जो एडवर्स रिएक्शन है, साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो एब्डोमिनल पेन है, नॉजिया है, वॉमिटिंग है, और बहुत सारे इसमें जो एब्डोमिनल क्रैम्प है, स्टमक पेन है, एनोरेक्जिया है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगेगी। इसके जो ये साइड इफेक्ट हैं वो बहुत सारे हैं। सबसे जो मेन इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है हीमोलिटिक एनीमिया। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो सबसे ये है कि जो जिसमें G6PD डेफिशिएंसी होगी उस पेशेंट को हम ये ड्रग बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि ये हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है। तो ये तो था इसका एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट। तो अब बात करते हैं इसके यूज़ की। अब बात करते हैं इसके यूज़ की, प्रेमाकिन का जो क्लिनिकल यूज़ है वो हम किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो ये तो साफ साफ पता है कि जो प्रेमाकिन है वो एंटी मलेरियल ड्रग है, तो ऑब्वियसली इसका जो यूज है मलेरिया को ट्रीटमेंट करने में क्या आता है, इसका पी प्लाज्मोडियम बाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओबेल है उन्हीं को ट्रीट करने के लिए हम इसको रिकमेंड करते हैं। जी दोस्तों, ये तो था इसका यूज़। अब बात करते हैं इसकी ब्रांड नेम की, ये मार्केट में किन किन नाम से अवेलेबल है, किन किन फार्मुलेशन में कौन कौन सी कंपनी बनाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की, ये मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है। तो ये मेलेरिड डीएस के नाम से भी पाई जाती है, मिलती है हमारे मार्केट में। जो इपका जो हमारी है फार्मास्यूटिकल, वो हमारी जो है बनाती है इपका लेबोरेटरीज लिमिटेड, और भी बहुत सारे नामों से आती है, एम्प्रिन के नाम से आती है, प्रीक्वीन के नाम से भी आती है मार्केट में। और ये जो है हमारा लियो प्राइम फोर्ट के नाम से भी प्रेमाकिन जो है वो टेबलेट आती है, लियो प्राइम फोर्ट के नाम से भी। और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके नामों से मार्केट में ईजली अवेलेबल हो जाएगी। तो अब इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।